नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। जागो पंच में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जागो पंच सीरीज लेके चल रहा है आपके सामने, एक अभी शिवलिंग पूजा क्यों। इसी सीरीज में शिवलिंग हमारे समाज में बहुतायत और हमारे समाज में आज इसके पूजा के प्रचलन का जो स्वरूप बढ़ता जा रहा है, लोग पूजा करते जा रहे हैं और इस तरफ अंधानुकरण की दौड़ में शामिल होते जा रहे हैं, उनके लिए ये बड़े काम का वीडियो है कि वह इस अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हो सकते हैं कि शिवलिंग कोई ईश्वरीय कृत नहीं, यह शिव का पेनिस था, शिव का लिंग था। यही बताने के लिए कि आप बड़ी ही शर्मनाक वस्तु की पूजा कर रहे हैं, जिसे हम अपने समाज में बोलना अच्छा नहीं समझते, आप उसकी पूजा कर रहे हैं। तो साथियों, वही पुस्तक शिवलिंग पूजा क्यों जो सीरीज चल रही है, तो आप पुस्तक देख के पहचान गए होंगे। तो इसमें से मैं आज लेके आया हूं वंश, लिंग के साथ वृषण अर्थात अंडकोश भी कटे। जब ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया था कि तुम्हारा कट के गिर जाए, तो उसके साथ लिंग के साथ जो और सामान था वो भी कट के गिर गया था, तो वो इसी के बारे में है। तो शिव पुराण का एक खंड धर्म संहिता के नाम से प्रसिद्ध है, वह बंबई से एक बार छपा था। शिव पुराण में से अब उसे ना मालूम क्यों पृथक कर दिया गया है। देखिए उसमें लिखा क्या था। छित्वा सह वृषणलिंगम गुरु द्वारा हरताश्वम शिष्ने स्यात् कर्तनम कारिनान्यो दंड कदाचन। धर्म संहिता अध्याय 10। गुरु पत्नी अर्थात भृगु ऋषि की पत्नी के अभिशाप से कामी शिव की उपस्तेंद्रिय वृषण अर्थात अंडकोश के साथ कटकर गिरी थी। शिशन कटने के अतिरिक्त उत्तम दंड ऐसे व्यक्ति के लिए और हो ही क्या सकता है। शिव जी दारुवन में विष्णु को स्त्री बनाकर साथ ले गए थे, यानी यहाँ भी फिर दारुवन का अगला सीन आ जाता है। वो तो पिछला सीन था, तो यहाँ वो साथ भी ले गए थे। उपरोक्त दारुवन की घटना के संबंध में सौर पुराण में कुछ भिन्नता युक्त निम्न प्रकार विवरण प्रस्तुत किया है। देखिए, यानी कि जो पीछे जो पुस्तक थी वह तीन पुराणों से ली गई थी, और यहाँ पर एक कहानी जो इसी लिंग के कटने की है वह कुछ अलग से है। यह कौन कह रहा है? यह सौर पुराण कह रहा है। तो यह सौर पुराण क्या कह रहा है, संस्कृत स्किप कर दे रहा हूँ भाई, बहुत बड़ा श्लोक है, टाइम बहुत वेस्ट होगा, मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत बड़ी बने और आपको बोरियत हो। देवी के वचन सुनकर शंकर जी व्यभिचारी पुरुष का रूप बनाकर दारुवन में गए। विष्णु जी स्त्री का रूप धर के शंकर जी के साथ हो लिए। वन में जाकर शंकर जी ने अपनी माया फैलाई तो उनके प्रभाव से मुनियों की औरतें शिव को देख कामदेव की अग्नि से पीड़ित हो गई। लज्जा त्याग कर और कपड़े उतार कर शंकर जी के साथ जा चिपटी तथा सारे मुनियों के जवान लड़के स्त्री रूपी भूषणी को जी को देखकर काम बाण से पीड़ित होकर उनसे जाकर चिपक गए। और इस अद्भुत दृश्य को देखकर क्रोधित होकर मुनियों ने साप से शिव जी को लिंगहीन कर दिया। ये है सौर पुराण की कहानी। यानी अलग अलग पुराणों में ये जो शिव के बारे में ऐसा लिखा गया है, ये हमारे समाज में ये पुस्तकें पहुंचाई क्यों नहीं जाती। जो हमारे समाज के लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, वो इन पुस्तकों को निशुल्क घरों में पहुंचाने का काम करें, तो शिवलिंग की महिमा का उनको भी पता लगेगा कि शिवलिंग बना कैसे, शिवलिंग आया कैसे, ये सारी चीजें पता लगेंगी। और जब पता लगेंगी तो आपका धर्म और आगे बढ़ेगा। इसे आप पहुंचवाइए। तो साथियों, इस कथा को दो रूप में देखने में हमको पता लगता है, शिवजी का दारुवन में जाकर ऋषि मुनियों से दुराचार करना, विष्णु का औरत बनकर शिव के साथ वहां जाना, ऋषि कुमारों का विष्णु जी से
उनके स्त्री रूप में व्यभिचार करना, मुनियों के साप से शिव जी के अंडकोश सहित शिशनेन्द्रिय कटकर गिरना और उसमें आग प्रकट होना, कटे हुए शिशन का सर्वत्र भागते फिरना व आग लगना, शंकर जी के परामर्श से पार्वती का उसे योनि रूप में धारण करना, तभी से शिवलिंग की पूजा का जारी होना। भाइयों, यह सब शिवलिंग शिवमुतेंद्रिय पूजा का प्रारंभ बताता है। लखनऊ के छपे भाषा शिवपुराण के खंड 8 अध्याय पृष्ठ 16 पर पृष्ठ 748 से 750 तक यह कथा दी हुई है। उसमें प्रारंभ में दिया हुआ है कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि शिवलिंग पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, तो तब उसके जवाब में तो ब्रह्मा जी ने दारुवन की संपूर्ण कथा बताते हुए अंत में यह शब्द कहे थे। देखिए क्या कहे थे, दारुवन की कथा भाषा शिव पुराण से जो लखनऊ में छपी थी। शिव जी बोले, गिरिजा अर्थात पार्वती अगर योनि रूप होकर हमारे लिंग को धारण करें तो हम शांत होंगे। गिरिजा के सिवाय तीन भुवनों में यानी तीनों लोकों में और कौन है जो हमारे लिंग को रोक सके। यह सुनकर सब देवता आदि ने गिरिजा को प्रसन्न किया, जिससे योनि रूप होकर शिव जी का लिंग अपने अंदर धारण किया, जिससे सबको बड़ा आनंद हुआ और सबने स्तुति की। परंतु गणों ने माता पिता को नग्न देखकर उनमें से किसी ने भी उनकी पूजा नहीं की, पर जब शिव ने आज्ञा दी कि हमारे लिंग की पूजा करो तो सबने उसी दशा में पूजा की। उसी दिन से शिवलिंग पूजा का प्रचलन हुआ। यह शिव इस शिव विवरण को देखकर हम समझ सकते हैं कि मुतेंद्र की पूजा का शिवलिंग के रूप में प्रचार किया गया है तथा शिशिरेन्द्र पूजा को उचित सिद्ध करने के लिए यह सब कथाएं गड़गड़ कर पुराण आदि ग्रंथों में लिखी गई हैं। यदि पुराणों की इन कथाओं को सत्य माना जाए तो शिव पर अनेक प्रकार के प्रश्न लागू होंगे, जिनका कोई उत्तर पुराणों को सत्य मानने वालों पर न बन सकेगा। जैसे अब यहाँ पर कुछ सवालात हैं, ये जवाब आप भी अपने ध्यान में दिमाग में सोचिएगा, अपने दिमाग में डालिएगा कि क्या यह सही लिखा है। कटा हुआ शिवलिंग क्या कभी पुनः शिवजी के शरीर में जोड़ा गया या नहीं, यानी जो कट गया था तो पुनः जोड़ा गया कि नहीं, कि शिव बिना लिंग के ही टहलते रहे, और अगर जोड़ा गया था तो वह कौन सी वैज्ञानिक तकनीक से जोड़ा गया था। अब आप गौर करिएगा, गणेश का सिर कट गया था तो हाथी कला के जोड़ दिया था, और शिव जी का कटा तो उसमें फिर उसके बाद जोड़ा नहीं गया भाई, ये गौर करिएगा। ये जोड़े जाने की कथा किसी ग्रंथ में नहीं लिखी है। शिव जी बेचारे बिना लिंग के ही घूम रहे हैं काफ़ी दिनों से, का मतलब सदियाँ हो गई। तो अगला सवाल है, क्या पुराणों में शिव जी को शिखंडी व शंड अर्थात नपुंसक जो कहा गया है वह कहीं इसलिए कि अर्थात लिंगहीन होने की वजह से तो नहीं बताया जाता। जब लिंग गिर गया उनका तो उनको शंड भी बोला गया और नपुंसक भी बोला गया। और सती अनसुईया के पास जब दारुवन में व्यभिचारार्थ जब शिव जी गए थे तो निज लिंग उपस्तेंद्रिय को हाथ में ग्रहण करके ही क्यों गए थे, क्या इससे शिवचित्र का पतन सिद्ध नहीं होता। गंगा को शिवतनया अर्थात शिवपुत्री भी कहते हैं, तो शिवपुत्री को शिवलिंग पर चढ़ाना क्या बुद्धिमानी की बात है। गंगा को मैया कहते हैं तो गंगा मैया के जल को महादेव बाबा के लिंग के ऊपर चढ़ाना क्या है, यह मैया के का बाबा के साथ दुराचार करना नहीं है क्या। प्रायी स्त्रियों को पर माया जाल डालकर उन्हें कामोत्तेजित कर देना और फिर उनके पतियों की अनुपस्थिति में व्यभिचार करना क्या यह सनातन धर्म का कोई विशेष अंग है, जिसे पालन करा के शिव ने समाज के सामने यह गंदा आदर्श उपस्थित किया। फिर प्रश्न 7 है, विष्णु जी को औरत बनाकर साथ में लेके जाना और मुनियों के लड़कों का स्त्री रूपधारी विष्णु से व्यभिचार कराना क्या यह विष्णु के भगवान होने का सच्चा प्रमाण है। प्रश्न 8, विष्णु भगवान ने अपने साथ स्वेच्छा से व्यभिचार कराकर क्या भक्तों के लिए अनुकरणीय ये आदर्श उपस्थित किया है, और क्या यह कृत्य सनातन धर्म के अनुकूल माना जाएगा या माना जाता है।
इसी प्रकार के अनेक प्रश्न पाठकों के मस्तिष्क में पैदा हो जाते हैं, जिनका जवाब पुराणों को सर्वथा सत्य मानने वाले लोगों को देना पड़ेगा। तो ऐसे जो सवालात हैं, ऐसे जो बातें कही गई हैं, इन बातों का जवाब जब तक आप मांगेंगे नहीं, तब तक आप शिवलिंग पूजा करते रहेंगे। सवालात होते हैं, शिवलिंग है और गंगा उनके सिर पर धारण करती हैं और वह उनकी पुत्री भी कही जाती हैं, और जब पुत्री कही जाती हैं तो वही जल ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, तो यानी उस शिव जी की बेटी और उस लिंग का मिलन करा दिया जाता है। क्या है, हम किस समाज में रह रहे हैं? हम आखिर स्वविवेक इस्तेमाल करते क्यों नहीं? और जब स्वविवेक इस्तेमाल करने लगेंगे, इन सारी चीज़ों को पूछने लगेंगे, जानने लगेंगे, तो निश्चित रूप से हम अंधविश्वास और पाखंड से निकल भागेंगे। और जिसने ये लिखा है, इन बातों को कहा है, उससे ये सवाल करना शुरू कर देंगे, और जिस दिन करना शुरू कर देंगे, निश्चित तौर पर आप अंधविश्वास और पाखंड से भाग लेंगे। अभी हाल ही में हमने अपने एक साथी से, परिचित से पूछा कि आप शिव पूजा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, इसलिए करते हैं। हमने कहा क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है? हम कारण नहीं जानते हैं, हमारे पुरखे कह गए और इसलिए हम कर रहे हैं। मतलब नहीं जानते, कारण नहीं जानते, हमारे पुरखे करते चले आए हैं और हम वही करेंगे जो हमारे पुरखे करते। शुक्र है इनके पुरखों ने कहीं और से खाना खाना नहीं शुरू किया, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाती। तो जो पूर्वजों ने गलती कर दी, वो अशिक्षित थे, वह बहकावे में थे, उनको शिक्षा, उनके जो शिक्षा वो प्राप्त कर लेते तो उनके कानों में, आंखों में सीसा पिघला के डालने की प्रचलन था, तो वो शिक्षित नहीं थे। आज आप शिक्षित हो, आप खोज करो कि क्या वास्तव में हम जो लिंग की पूजा कर रहे हैं, क्या वह उपयुक्त है? और जिस दिन आप ये सोच लेंगे, जान लेंगे, निश्चित तौर पर अंधविश्वास और पाखंड से निकल भागेंगे। तो साथियों, आज का वीडियो आपको ये कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, और हमारे जो नए साथी हैं, नए साथ, उनका बहुत बहुत स्वागत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना, वो बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा, इसी प्रेम और स्नेह के साथ, कि आप जागो पंच की ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे समाज में जागृति आ सके। इसके बाद आपसे मैं विदा चाहूंगा, नमस्कार।